यदि किसी पौधे के परागकण में क्रोमोसोम की संख्या कितने 21 है। अब उसके अंड कोशिका यानी एक्सेल और युग्मज कोशिका में कितने क्रोमोसोम होंगे। देखो इसमें आपको अंड कोशिका में क्रोमोसोम संख्या कितनी है 21 21 हो जाएगी, क्योंकि जितने पराक्रम होती है पराक्रम में 21 होती है, तो कितने 21 किस्म हो जाएगी 21 हो जाएगी एनो। ठीक है, और जब 21 आए मादा से और 21 आए फादर से, कितने 21 होने 42 हो गए। समझ गए, पेपर जिनमें बीज नहीं बनते हैं वो अन्य से फल कहलाते हैं, राइट। इसकी इस बता दो कीटों द्वारा परागित पौधे के नाम लिखिए, सेल्विनिया एक का ये वाला आप याद कर लें, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे एपी बोर्ड वाले बच्चे से याद कर लें। ठीक है, आपके 27 तारीख में ये देखने को मिलेगा आपको। मादा एगमकोद्भिद मादा एगमकोद्भिद कर लो यार, यानी एक्सेल का किस प्रकार से होता है देखो। हेलो दादा, बीजों में प्रकीर्णन ये हमने करा दिया पिछले वीडियो में। अब देखो यहाँ से आपको एक चित्र बनाने का आएगा, ये इन दोनों में से हर ने एक आता दोनों में से एक आता है सर ना बनाना सीख ले जाइए आप। ये परिपक्व होता है और एक अपक्व है, परिपक्व और एक अपक्व, इनमें से एक आता है, आप इनमें से सीख ले बनाने। यहाँ से 100% आएगा एग्जाम में, यहाँ से 100% आएगा आपके एग्जाम में। अनाप्रत बीजी पादपों पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भ्रूण कोशों का संरचना वर्णन कीजिए। कर लो बेटा, कर लेना अपने कॉपी से करना। यहाँ से आपसे बताया, आपसे यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 2022 में 27 तारीख को क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से। राइट, आपरत बीज पौधे में नरेगो का निर्माण किस प्रकार से होता है, ये क्वेश्चन आया से आप बेटा याद कर लो जल्दी से, इसे याद कर लो, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे याद कर लो आप। पराकर्ता जायंतता अंड कब किसी से पर वर्तिका पर पहुंचे, ये करने के बाद आप इसे कर लो। इसे पूछा पराग नलिका किस प्रकार से एंट्री करती है, समझ लीजिए अगर पराग नली अगर बीजांड द्वारा प्रवेश करते तो उसे बीजांड प्रवेश बोलते हैं, अगर मध्य से प्रवेश कर रही है मध्य कर रही है तो इसे मध्यावाही मध्य प्रवेश बोलते हैं, अगर ऊपर से कर ले रही है तो इसे निभागी प्रवेश बोलते हैं, ये निभागी प्रवेश है, तो ये निभागी प्रवेश गलत बना दिया। ये तो एक बीजांड द्वार हो गया अपना, और ये अध्यावाड़ी है, कल्प हो गया, ये अध्यावाड़ी है और ये निभागी है। ठीक है, इन्होंने गलत कर दिया। पॉलिनेशन तथा फर्टिलाइजेशन में अंतर आप इसे याद कर लीजिएगा, और आपके आवासीय फलों का कोई भी तू उदाहरण दीजिएगा। अरे जो असत्य फल होते हैं, फल आवासीय हो गया और एक नाशपाती हो गया। ठीक है, जली प्राकरण करने वाले किन दो पौधों के नाम लिखिए, एक हाइड्रेला आएगा और पेरिसी मेलिया होगी। ठीक है दोस्तों, मैंने जहाँ तक बता दिया, और अगली वीडियो जो आएगी वो एमसीक्यू पे आएगी, कंप्लीट एमसीक्यू कराए जाएंगे, जहाँ पर हमने आपको बता दिया किस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, वो सारे के सारे मैंने आपको डाल दिए। तो के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अपने एग्जाम से पढ़ रहे हैं। आया।